जेलेंस्की ने यह कहा है कि भारत और भारतीय चाहें तो रूस से युद्ध रुक जाएगा। जानेंगे डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका क्या जवाब दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना और रूस में कौन सा खेला हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। उन्होंने ये यात्रा ऐसे समय में की जब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। दोनों नेताओं ने युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भारत को रूसी अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव रखने वाला बड़ा देश बताते हुए कहा कि भारत और भारतीय रूस के प्रति अपना रवैया बदलते हैं तो युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि पुतिन जंग रोक देंगे। दरअसल वह रूस से रिकॉर्ड तोड़ तेल सौदे को लेकर बात कर रहे थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा कि अगर भारत समेत दुनिया के दूसरे देश रूस से रियायती दामों पर तेल खरीदना बंद कर दें तो उसके सामने बड़ी चुनौतियां उत्पन्न हो जाएंगी। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद प्रतिबंध लगने के बावजूद भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिसकी पश्चिमी देश आलोचना करते रहे हैं। भारत यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले रूस से 1% से भी कम तेल आयात करता था, जो अब बढ़कर भारत के कुल तेल आयात का 40% हो गया है। भारत और रूस के बीच तेल के मामले में महत्वपूर्ण डील की ओर इशारा करते हुए जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि पुतिन को अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने का डर है। उनके पास तेल के अलावा कुछ नहीं है, उनकी मुख्य मुद्रा तेल है। उनके पास एक तरह की ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था है और वे निर्यात उन्मुख है। जेलेंस्की के तेल न खरीदने वाले बयान का जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। उन्होंने दोनों नेताओं के मीटिंग को रचनात्मक बताया और कहा कि मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने जेलेंस्की को रूसी तेल लगातार खरीदने से जुड़ी भारत के सोच के बारे में बताया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में भारत ने रूसी तेल के दुनिया के सबसे बड़े खरीदार चीन को पीछे छोड़ दिया है और प्रतिदिन 20 लाख बैरल से ज्यादा तेल खरीदा है। भारत ने तर्क दिया है कि रूसी तेल को छूट पर खरीदने से दुनिया की सेवा हो रही है, क्योंकि इससे वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें कम है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि रूस का तेल खरीदना कोई राजनीतिक रणनीतिक नहीं बल्कि एक मार्केट रणनीति है। भारत और यूक्रेन ने शुक्रवार को 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और रक्षा, व्यापार, चिकित्सा, हरित ऊर्जा और शिक्षा समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की ने द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने वार्ता के दौरान संबंधों को व्यापक साझेदारी से बढ़ाकर रणनीतिक साझेदारी बनाने की दिशा में काम करने में पारस्परिक रुचि भी व्यक्त की। वैसे जहां ये मुलाकात एक ऐसी मुलाकात रही जिसने इतिहास रचा। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की ने पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज इतिहास रच दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार यूक्रेन की यात्रा की, हमारी आजादी की पूर्व संध्या पर। इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र, कृषि सहयोग, मानवीय संबंध, सांस्कृतिक क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच हुए समझौतों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने आगे कहा कि भारत यूक्रेन की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में हर किसी को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी को लेकर जेलेंस्की की एक पोस्ट ने इंस्टाग्राम पर रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाली इंस्टाग्राम पोस्ट शुक्रवार को अपलोड होने के कुछ ही घंटों के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी सबसे अधिक पसंद की जाने वाली पोस्ट बन गई। मोदी के साथ इंस्टा कॉलेब ने पहले जेलेंस्की के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पोस्ट को 7,80,000 लाइक मिले। इंस्टाग्राम कॉलेब ऐसे फीड पोस्ट हैं जिन्हें सोशल मीडिया साइट्स पर कई खातों में द्वारा साझा किया जा सकता है। मोदी के साथ जेलेंस्की की तस्वीरों को कुछ ही घंटों में 10 लाख से अधिक लाइक मिल गई। अब तो ये करीब 20 लाख हो गया है। जब प्रधानमंत्री इसमें शामिल होते हैं तो विश्व के अधिकांश नेताओं की सोशल मीडिया पर सक्रियता में भारी वृद्धि होती है। विभिन्न सोशल मीडिया मंच पर पीएम मोदी किसी भी सरकार की प्रमुख तौर पर अधिक फॉलोअर प्राप्त हैं। अपनी पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा कि हमारी मुलाकात भारत और यूक्रेन के बीच संवाद और
रिश्ते को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने मुलाकात के बाद समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि भारत अपनी भूमिका निभाएगा। मुझे लगता है कि भारत ने ये पहचानना शुरू कर दिया है कि ये केवल संघर्ष नहीं है, ये एक असली युद्ध है जिसे एक व्यक्ति पुतिन ने एक पूरे देश यूक्रेन के खिलाफ छेड़ा हुआ है। आप एक बड़े देश हैं, आपका प्रभाव बहुत बड़ा है, आप पुतिन को रोक सकते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था को रोक सकते हैं और उन्हें वास्तव में उनकी जगह पर ला सकते हैं। ये जेलेंस्की ने सारी बातें यहाँ पर कही। जेलेंस्की एक बड़ी उम्मीद लेकर है, साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये भी घोषणा करा कि भारत में बने प्रोडक्ट को खरीदकर भारतीय कंपनियों को कीव में परिचालन स्थापित करने की अनुमति देकर भारत के साथ सीधे जुड़ने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने भारत में यूक्रेनी कंपनियों की स्थापना में भी रुचि दिखाई है। जेलेंस्की ने यूक्रेन के कूटनीतिक प्रभाव को बढ़ाने में भारत के समर्थन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत के साथ साझेदारी बनाने की प्रबल इच्छा व्यक्त की और प्रस्ताव दिया कि अगला शांति शिखर सम्मेलन संभवतः भारत में आयोजित किया जा सकता है। जेलेंस्की का मानना है कि यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए रूस को मनाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का निमंत्रण दिया है, जिसे जेलेंस्की ने स्वीकार कर लिया है। द्विपक्षीय बैठक के दौरान मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन में संघर्ष विराम का एकमात्र समाधान बातचीत है। पीएम मोदी ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे एग्रीमेंट भी यहाँ साइन हुए हैं, लेकिन ये जो ज्यादातर एग्रीमेंट है, ये ज्यादातर एग्रीमेंट आर्थिक क्षेत्र पर ही किए गए एग्रीमेंट है। इन सब एग्रीमेंट के बीच में कुछ और भी चीजें देखने को मिली है, जैसे कि यहाँ देखने को मिला कि जेलेंस्की ने जैसे ही पोस्ट डाला, उसके थोड़ी ही देर बाद अमेरिका का एक्शन वाला पोस्ट भी निकल कर आ गया। जेलेंस्की ने ही इस बात को कहा कि 400 से ज्यादा एक्शन लिए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं रूस के ऊपर और इसके लिए हम आपसे आभारी हैं, ताकि रूस के ऊपर प्रेशर बनाए रखना बहुत जरूरी है और अगर प्रेशर बना रहेगा तो रूस यहां पर काबू पे रहेगा। वैसे आपको बता दूं, अमेरिका ने 400 इंडिविजुअल्स और इंटिटीज पर लगा दिया है, यहां पर जो इन कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं उन कंपनियों में से ज्यादातर कंपनियां जो है रूस और चाइना की है। 63 इंटिटीज रूस की है और 42 चाइना में है। इसके अलावे भी कई सारे बैंक्स के ऊपर, कई सारे प्रोजेक्ट के ऊपर भी लगाया गया है, जैसे कि रूस के 21 बिलियन आर्कटिक एलएनजी 2 प्रोडक्ट पर भी लगाया गया है और शिपमेंट कंपनियां यूएई बेस्ड फॉक्स शिप मैनेजमेंट इन पर भी लगाया गया है। हालांकि फिलहाल के लिए अमेरिका की जो ये लिस्ट है इसमें भारत का नाम तो नहीं दिख रहा है भारतीय कंपनियों का, पर 400 एक बहुत बड़ी संख्या है। आपको बता दूं, यहाँ अमेरिका ने खुशी जाहिर करी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अमेरिका ने कहा है कि जो जॉन किर्बी हैं, कि जो विजिट है ये विजिट बहुत ही ज्यादा मदद करेगा और यूक्रेन के लिए ये काम का होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।